हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवाशीष है। हमारी एक एडवेंचर ट्रैवल कंपनी है द सर्चिंग सोल्स, बेस्ड इन उत्तराखंड। तो जैसा कि आपने देखा और सुना होगा, उत्तराखंड और हिमाचल ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं टूरिस्ट के लिए, और सोशल मीडिया में काफ़ी इमेजेस आई हैं जिसमें लंबी लंबी लाइनें लगी हैं बॉर्डर्स पे गाड़ियों की। तो बेसिकली इसमें जो गाइडलाइन है वो ये बोलती है कि आपको एक विद इन 72 आवर्स ICMR से कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट प्रेजेंट करना है टेस्ट करवाने के बाद, और वो आप अपने वेब पोर्टल में, इनके वेबसाइट के वेब पोर्टल में अपलोड करके आपको वो अपने साथ लेके आना है। देखिए, हम ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, और जितने भी ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, एटलीस्ट जिन्हें मैं जानता हूँ, वो इस न्यूज़ से काफ़ी सैड हैं। हम लोग मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं इसके लिए, क्योंकि देखिए जैसे जो हमारे स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, हम लोग छोटे स्टेट्स हैं, दो टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री हमारी हमेशा रही है, मगर मेडिकली हम लोग उतने इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, हॉस्पिटल्स कहें, अभी काफ़ी पीछे हैं। और आप ये मान के चलिए, जैसे मैं अपने उत्तराखंड की अगर बात करूँ, तो हमारा उत्तराखंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, गढ़वाल है और कुमाऊँ है। तो दोनों जगह ना, अगर जो बेसिक बीमारियां हैं जैसे जुखाम बुखार, इससे ऊपर अगर कुछ हो जाता है तो बंदों को 100-150 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपने नियरेस्ट सिटी में आना पड़ता है। जैसे कुमाऊँ में जो मेन सिटी हल्द्वानी है, और गढ़वाल में मेन सिटी देहरादून है, तो ये लोग बस में 150 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट लेके और अपनी बीमारी का इलाज करवाने। इन केस अगर हमारे स्टेट्स में कोरोना फैलता है, अगर ट्रांसमिशन शुरू होता है, तो पता नहीं क्या होगा। जितने लोग उत्तराखंड और हिमाचल से हैं वो जानते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है। अब हम लोग एक टूर ऑपरेटर हैं, और आप लोग को शायद हमसे ज़्यादा ट्रैवल की इस टाइम पर नीड नहीं होगी, क्योंकि आपके पास तो एटलीस्ट अपनी जॉब्स हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आपके पास अभी भी हो सकता है कुछ लोगों का सैलरी कट के आ रहा हो, पर सैलरी तो आ रहा है ना। हम लोगों का तो पिछले 3 महीने से कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। तो अगर हम लोग इस टाइम पे अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मत आइए, तो आप सोचिए कि कितनी क्रूशल और कितनी क्रिटिकल कंडीशन होगी। अब आप देखिए, लास्ट 3 महीने पहले अगर हम बात करें तो 500 केसेस हमारे कंट्रीज़ में थे, और सब अपने अपने घर के अंदर लॉकडाउन में डरे हुए बैठे हुए थे। आज जब हमारी कंट्री 7.5 लाख केसेस पार कर चुकी है, तब हम ट्रैवल इतने ओपनली और आराम से कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने खोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट ने खोला क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है, गवर्नमेंट को इकनॉमी भी देखनी है, बहुत सारी और चीज़ें देखनी है, मगर हम लोग को तो एज़ द सिटीज़न ऑफ इंडिया सबका ख्याल रखना है ना। अगर चलिए ठीक है, आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, मास्क यूज़ करेंगे, फेस शील्ड्स भी यूज़ करेंगे, मगर इन केस अगर आप इस वायरस के कैरियर बनते हैं और दूसरे लोगों को ट्रांसमिट करते हैं, तो उसका क्या? आपको अपने साथ साथ दूसरे की भी तो हेल्थ का ध्यान रखना है। और इस वायरस के बारे में ना किसी को कुछ नहीं पता है। अभी आधे घंटे पहले न्यूज़ आया है WHO का कि देर आर एविडेंसेस दैट दिस वायरस इज़ एयरबॉर्न। मतलब ऑलमोस्ट आधा साल बीत गया है और अब ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि ये वायरस एयरबॉर्न भी है। तो सही मायनों में तो किसी को कुछ नहीं पता ना, हम सिर्फ प्रिकॉशन ही ले सकते हैं। बीच में उत्तराखंड और हिमाचल में केसेस कम क्यों हैं? क्योंकि बीच में इन लोगों ने बहुत स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस लगाई, जो भी बाहर से आ रहा था उसको स्टेट में एंट्री नहीं मिल रही थी, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना पड़ रहा था 7 डेज़ के लिए। बहुत लोगों को का कंफर्ट भी इसमें, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ा, बहुत कंफर्ट ख़राब हुआ। पर इस टाइम पे मुझे लगता है कि कंफर्ट जैसी चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए। और जहाँ तक कि ये बात है कि मैं समझता हूँ कि ट्रैवल एक हीलिंग थेरेपी की तरह काम करता है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो हर वीकेंड ट्रैवल करते हैं, और एक अर्ज होती है ट्रैवल करने की। मैं भी जब जॉब करता था तो हर वीकेंड ट्रैवल करता था, और आज मैं जब एक कंपनी खोल चुका हूँ तो मैं भी मतलब महीने के 3 से 4 टूर्स लेके जाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा या मुझसे ज़्यादा अर्ज आपको आ रही होगी, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, है ना। तो उस अर्ज को हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अ लॉट ऑफ लाइव्स आर एट स्टेक। सिर्फ एक हमारी नीड की वजह से, एक लेजर, और आप समझ रहे हैं, एक
लेजर हमारे एक हमारी नीड पूरी होने के लिए इतने लोगों की लाइफ दांव पे नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि 50-50 लोगों का एक गांव होता है और पूरे गांव में आइसोलेशन में रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर एक को भी होता है तो बहुत लोगों को हम ट्रांसमिशन दे देंगे। तो बस वही, उसी नीड के लिए अगर हम इतना रिस्क लेना, क्या हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? मतलब आप खुद से पूछिए, ठीक है, हो सकता है आप पूरे सेफ्टी के साथ आए और आपको ना हो, पर अगर आपने किसी और को वो वायरस दे दिया तो क्या? अब जहाँ तक बात रही इमोशनल और जो ये मेंटल ट्रॉमा चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ, सबके साथ है। अगर आप इंस्टाग्रामर हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप अपने पुराना कंटेंट को और डेवलप करके थ्रोबैक वीडियोस डालिए। आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि कैसे आपको अपनी ऑडियंस को एंगेज करना है। और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आप इस रुक सकते हैं। अगर आप देखें तो हर कंट्री में ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो एक पीक लेता है, उसके बाद नेचुरली ये टेपर डाउन हो रहा है। किसी भी कंट्री का आप अगर आप ग्राफ्स उठा के देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा। और इंडिया में अभी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इंडिया में ऑलमोस्ट अभी 22,000 से 23,000 केसेस दिन के आ रहे हैं। तो हमें थोड़ा इतना वेट करना चाहिए कि कम से कम वो केसेस कम होना शुरू हो जाएं, है ना? तो उस टाइम तक हमें वेट करना ही चाहिए। बाकी आप घर में रह के बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप अपनी इंटरनल ग्रोथ के लिए इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आप तीनों लेवल पे काम कर सकते हो। आप स्पिरिचुअल लेवल पे काम कर सकते हो, आप मेंटल लेवल पे काम कर सकते हो, आप फिज़िकल लेवल पे काम कर सकते हो। तो इस डल पीरियड को एज एन अपॉर्चुनिटी भी आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज करिए, अपने को फिज़िकली बेटर बनाइए, आप अपने मेडिटेशन करिए, और आगे आपको लाइफ में और कैसे आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, ये आपको सोचने का और इम्प्लीमेंट करने का एक मौका मिला है। तो एकदम सब कुछ नेगेटिव भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो उसको, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। अगर आप देखें तो इतिहास गवाह है, ह्यूमन रेस एक ही चीज़ पे चलती है। जो ह्यूमन रेस का बिगेस्ट वेपन है वो है होप। हमें एक होप रहता है हमेशा कि चीज़ें सही हो जाएंगी। जो एक लाइन हम बोलते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो बस वही है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमें होप नहीं खोना है, हमें वो पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है, और सब कुछ ठीक होगा एक दिन। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम इससे बाहर निकलें तो वी कम आउट एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स इट। बस उस समय तक, वो वक्त आने तक हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तक किया है, 3 महीने किया है, तो थोड़ा सा हमें और करना चाहिए। थैंक यू।